हेलो फ्रेंड्स, एचएसएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे तैयार किया जाए। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें हम, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप उठा के देखो तो 5 से 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। वो अलग बात है कि एचएसएससी किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं देती, फिर वो तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ एचएसएससी कर सकती है। हरियाणा जीके का भी कई एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप बिल्कुल करें ही ना। दोस्तों, सीईटी जो लास्ट टाइम हुआ था 2022 में नवंबर में हुआ था, उसमें 15 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आप बात करें एचटेट और जीबीटी की, तो 15-15 क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को आपको इंग्लिश के मिलते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश को आप हल्के में मत लो, और ये मत सोचो कि इंग्लिश को हम नज़रअंदाज कर देते हैं तुक्के मार कर 2000 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, वो काफ़ी है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश आपको कंपटीशन में लाती है दोस्तों, इसलिए इंग्लिश की तैयारी आज से ही शुरू कीजिए और इंग्लिश को एग्ज़ाम तक लगातार बनाए रखें, लगातार उस पर पकड़ बनाए रखें। अगर आप इंग्लिश को 15 दिन छोड़ दोगे बिना पढ़े, तो वो आपके लिए आप भूल जाओगे उसको, आपके लिए वो नहीं लगेगी आपको जब नेक्स्ट टाइम उठाओगे। तो दोस्तों, सीईटी, जेबीटी, पीआरटी, एचटेट और एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देखोगे तो उसमें इंग्लिश आती है इजी टू मॉडरेट। आपको हार्ड इंग्लिश देखने को नहीं मिलती। हार्ड इंग्लिश अगर आप देखने को मिलेगी आपको तो किस एग्ज़ाम में मिलेगी, टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है एचटेट का, उसमें आपको थोड़ी हार्ड इंग्लिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम है तो ईजी टू मॉडरेट और मैक्सिमम चांस होते हैं कि इजी ही मिलेगी, इसलिए आप इजी जो क्वेश्चन है इंग्लिश के वो तो एटलीस्ट तैयार कर ही सकते हो इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं कि हम कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को तैयार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। आपको दो चीज़ पढ़नी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक तो ग्रामर और दूसरी वोकैब। यहाँ पे मैं ग्रामर को आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद वोकैब पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, ग्रामर का जो पोर्शन होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो चीज़ होती है ये जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। दोस्तों, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर इंग्लिश लैंग्वेज से आप उठाओ तो आपको वो वर्ड इन 8 जो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक मिलेगा। जैसे आप गो उठाओगे तो गो वर्ब होती है, वॉच उठाओगे वॉच वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है, ही उठाओगे तो प्रोनाउन होता है, हाई उठाओगे तो वो एडजेक्टिव होता है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं, टू, बिफोर, ओवर, अबोव, ओन ये प्रपोजिशन होते हैं, आइदर और, नीदर नोर, और, बिफोर एंड ये क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी आप वर्ड उठाओगे इनमें से एक मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ने ही है, साथ में इन 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच को आप कैसे यूज कर सकते हो सेंटेंस के अंदर, फिर आपको वो ज्ञान यहां से मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए अप्रोच क्या होती है। जैसे ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ऐसे ही टेंस, वॉइस। टेंस क्या होता है, जैसे एक्टिव वॉइस में होते हैं टेंस सारे। एक्टिव वॉइस जैसे बोल दिया कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, वो टेंस है। टेंस में कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर हम बात करें कि राम ईट्स एन एप्पल, तो वो एक्टिव टेंस में है। अगर हम बात करें कि एप्पल इज़ ईटन बाय राम, तो वो वॉइस पैसिव वॉइस में आ जाएगा। नरेशन होती है ऐसे ही, आज की कोई बात है अगर हम उसको 2 दिन बाद कह रहे हैं कि उसने ये कहा था, तो वो नरेश यानी कि नरेशन हो जाती है, यानी कि हम नरेट कर रहे हैं उस चीज़ को। फिर क्वेश्चन टैग हो जाता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन टैग में हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा और उसके बाद, यानी कि जो टेंस जिस टेंस में वो क्वेश्चन होता है ना, वो उसके बाद हम एक क्वेश्चन टैग लगाते हैं छोटा सा, कि जैसे हम बोलते हैं कि राम ने ये काम कर लिया या नहीं किया, ऐसे जो लास्ट में क्वेश्चन होता है उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं, और वो उसके अपोजिट टेंस में होता है जिस टेंस में ये होता है। ऐसे ही कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल के आप 3-4 सेंटेंस आप पढ़ोगे बुक में, प्लिंथ टू पैरामाउंट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कंडीशनल की इफ़ के साथ एक कंडीशन होती है, उसके बाद दूसरी कंडीशन। तो दोस्तों, वो कंडीशन जब आप देखते हो उसमें आपको पता चलेगा कि यदि
उसमें भी टेंस का यूज़ होता है कि यदि ये यहाँ पे इफ के बाद ये टेंस है तो दूसरा टेंस, दूसरा जो पार्ट है वो किस टेंस में होना चाहिए, इसके पर्टिकुलर रूल होते हैं वो आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिठाना होता है इसमें, तो ये चीज़ें एरर फाइंड करने में आपको मदद करती है। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टेंस। तो इसलिए आपको इन सब को सीखने से पहले आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए, तो टेंस आपको सीखना पड़ेगा। और टेंस सीखने के लिए आपको तीन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, एक तो नाउन, एक प्रोनाउन और एक वर्ब। यानी कि आपके देखिए अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करो, नाउन को पढ़िए, प्रोनाउन को पढ़िए और वर्ब को पढ़िए, इन तीन चीज़ों का ज्ञान लीजिए। और वर्ब आपने पढ़नी है बेसिक वर्ब, एडवांस वर्ब आपने नहीं पढ़नी। तो बेसिक वर्ब आप पढ़िए, प्रोनाउन पढ़िए और नाउन पढ़िए, इन तीन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको टेंस सीखने में मदद मिलेगी, आप टेंस को सीख सकते हो उसके बाद। और टेंस सीखने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, वॉइस सीख सकते हो, नरेशन सीख सकते हो, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों ये सभी सीखने के बाद फिर आप एडजेक्टिव पे जा सकते हो, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये सभी चीज़ आप पढ़ सकते हो। देखिए अगर इन चीज़ों का ज्ञान लेना है तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, अगर इन चीज़ों का ज्ञान लेना है तो इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, आपस में इंटरकनेक्शन है इनका। क्योंकि अगर आप टेंस पढ़ोगे, टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें आपके उसमें सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं, यानी कि इनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इजी आपको लैंग्वेज में ये बताया कि आप सबसे पहले नाउन को पढ़िए, प्रोनाउन को पढ़िए और वर्ब को पढ़िए, ये तीन चीज़ पढ़ने के बाद फिर आप टेंस को पढ़िए। एक बार आपने टेंस पढ़ लिया तो उसके बाद आपको इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद देखिए आराम से आप अलग से वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल ये पढ़ सकते हो, और साथ में इसके अलावा आप एडजेक्टिव नाउन पढ़ लोगे तो आपको फिर एडजेक्टिव भी समझ में आ जाएगा, और वर्ब पढ़ लोगे तो एडवर्ब समझ में आ जाएगा, एडवर्ब पढ़ने में आसानी होगी, और आर्टिकल, प्रपोजिशन और कंजंक्शन इन तीनों से अलग है तो इनको आप अलग से आप पढ़ सकते हो। दोस्तों इसके लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखोगे, डिमांड करोगे, तो मैं अलग से इनकी वीडियो भी बना दूंगा हर एक टॉपिक की, या MCQ के जरिए आपको मैं समझा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इंग्लिश की डिमांड इतनी नहीं होती हरियाणा में, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ा जाए तो आपको एग्ज़ाम में अपनी अच्छी पोजीशन बनाने में मदद मिलेगी। तो इंग्लिश को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होंगे। वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले रूट वर्ड मेथड जो होता है, रूट वर्ड मेथड का आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतनी वकैब एकदम से याद नहीं हो सकती। तो रूट वर्ड क्या होता है, जैसे जैसे साइड जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है किलिंग, तो इस एक वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड याद कर सकते हो, जैसे मेट्रीसाइड होता है, पेट्रीसाइड होता है, सोरीसाइड होता है, यूक्सोरीसाइड होता है, फ्रेट्रीसाइड होता है, इनका मतलब किसी का होता है सिस्टर की हत्या, पिता की हत्या, माता की हत्या, ऐसे साइड वाले, पेस्टिसाइड होता है, सारे साइड वाले वर्ड याद हो जाएंगे। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो जैसे क्रेसी, क्रेसी एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सरकार, जैसे ओलिगोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, नोबिलोक्रेसी, ऐसे बहुत सारी सरकारें जैसे चलती हैं उसको आप याद कर सकते हो। तो रूट वर्ड मेथड आप याद कीजिए, उसके बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करिए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी वोकैब बिल्ड करने में। उसके बाद फिर एंटोनिम और सिनोनिम की आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये मेरी अप्रोच थी, और आप 15 दिन से ज़्यादा इसको मत छोड़ें, लगातार इसको पढ़ें, तो प्रिजर्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप इस पर फोकस करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।